तो नमस्कार दोस्तों, दिस इज वैभव त्रिपाठी, यू ऑल आर वॉचिंग आज़ाद क्लासेस। और जैसा कि हमने अपनी नई सीरीज़ शुरू की है क्लास ट्वेल्थ अकाउंट्स के लिए पार्टनरशिप, और अभी तक एक बेसिक फंडामेंटल लेक्चर लेके आए हैं उसमें। नाउ दिस वीडियो इज़ गोइंग टू डील इन पीएल एंड अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, बनाते क्यों हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। इस वीडियो में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, क्या क्या सारी चीज़ें उसमें हैं, ये हम जानेंगे। एंड इन द अपकमिंग वीडियो वी विल बी सॉल्विंग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो पी एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसको जानने से पहले जरा सा, क्लास इलेवेंथ में तुमने कुछ कलाकारियाँ की हैं, क्या कलाकारियाँ करके आए हो जरा सा मैं तुम्हें एक बार रिवाइज करा देता हूँ ताकि तुम्हें याद रहेगी। ठीक है, तुमने एक सीढ़ी बनाई है क्लास इलेवेंथ में, अगर तुम्हें याद होगा तो। क्या सबसे पहले यू हैव पास्ड जर्नल एंट्रीज़, आपने इसे लेजर पोस्टिंग की होगी, क्लियर है। लेजर पोस्टिंग के बाद यू हैव मेड ट्रायल बैलेंस, तुमने क्या बनाया होगा भाई, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद तुमने फाइनली फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किया होगा। ठीक, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन में तुमने कुछ अकाउंट्स बनाए होंगे, दैट इज़ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक आपने बनाया होगा ट्रेडिंग अकाउंट, और दूसरा ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आप सभी लोगों ने बनाया होगा पी एंड एल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद आपने नेक्स्ट जो बनाया होगा वो आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर की होगी, जिस बैलेंस शीट में आपको कितने आपके बिजनेस में एसेट्स रिमेन हैं और कितनी आपकी बिज़नेस की अभी लाइबिलिटी बाकी है, ये सारी की सारी चीज़ें आपने उसमें पुटअप किया होगा। नाउ ये बताने का मकसद तुम्हें ये है ताकि तुम पी एंड एल अप्रोप्रिएशन को बेसिक से, ज़ीरो से समझो कि क्या है क्या ये। सिर्फ ऐसा नहीं है कि पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया और उसको बना लिया, नहीं, उसकी जड़ समझना ज़रूरी है ताकि हमें लाइफ लॉन्ग याद रहे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि जनरल करते हो, जनरल के बाद लेजर पोस्टिंग, इसके बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाते हो। फाइनल अकाउंट्स में तीन चीज़ें आप प्रिपेयर करते थे जनरली, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता था, पी एंड एल अकाउंट जो आप बनाते थे पी एंड एल अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आता था। नाउ दिस नेट प्रॉफिट वॉज यूटिलाइज इन द लाइबिलिटी साइड एंड इट वॉज एडेड अंडर द कैपिटल, इट वॉज एडेड अंडर द हेडिंग ऑफ कैपिटल, इसके बाद हम इसे आउटर कॉलम में लिखते थे, तुम्हें पता है। तो जो भी नेट प्रॉफिट आपकी आती थी बेटा पी एंड एल अकाउंट से, ये पी एंड एल अकाउंट को भाई तुम क्या करते थे, बैलेंस शीट में ला के कैपिटल में ऐड करते थे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता था कि वो कैपिटल में ऐड होता था, वो कैपिटल में इसलिए ऐड होता था कि क्लास इलेवेंथ में जो भी आप फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं वो बेसिकली एक सोल प्रोप्राइटर के बेसिस पे तुमने अकाउंट्स बनाना सीखा है, तुमने ये सीखा है कि एक सोल प्रोप्राइटर कैसे बिजनेस करता है, उसकी कंपनी में क्या सारी चीज़ें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं या इनकम है, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट से डील करेगा, इनडायरेक्ट है तो पी एंड एल अकाउंट से डील करेगा, और इसके बाद बैलेंस शीट में वो सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। नेट लॉस होता था तो नेट लॉस को हम कैपिटल में से माइनस करते थे, नेट प्रॉफिट होता था तो बेसिकली हम उसे कैपिटल में ला के ऐड करते थे, क्लियर है। Now here, what is the need to prepare an additional account, that is P&L appropriation account? आखिर भैया हमें P&L appropriation की नीड ही क्यों पड़ी, इससे भी तो हमारा काम चल रहा था। सी, पिछले लेक्चर में मैं तुम्हें बताया था और फिर से वो चीज़ें बता दे रहा हूँ कि वी आर स्टडिंग पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर persons. यानी यहाँ दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात आ रही है। अब यार दो से ज़्यादा या बेसिकली कितने भी पार्टनर हो, समझ रहे उन्हें मेरी भावनाओं को, तो वो जितने पार्टनर्स हैं तो वो सोल प्रोप्राइटर का यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, वो बेसिकली पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं, और एक से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसलिए हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, डैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बाई द नेम पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। अब ये बनेगा कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट के बाद आपको जो अकाउंट बनाना है वो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी उसके बारे में हम डिटेलिंग करेंगे, डोंट वरी। और पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स के,
और इसके बाद जो भी इनका प्रॉफिट होता था इस प्रॉफिट को आप जो है कि इनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ले जाएंगे, इसके बाद वो बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिर उस कैपिटल जितने जिस पार्टनर की कैपिटल होगी उस कैपिटल को लाके हम बैलेंस शीट में, मान लो तीन पार्टनर अगर हैं तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लिखेंगे एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल, ठीक है। तो ये पूरा मैंने तुम्हें एक प्रोसेस समझाया कि आखिर चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। ऑलराइट गाइस, तो मैंने तुम्हें ये प्रोसेस बताया कि पीएल अप्रोप्रिएशन आखिर में बनाया क्यों जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फिर से याद रखना, अगर एक ओनर हो तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली प्रॉफिट का होगा ही नहीं है। अगर मैं ही ओनर हूँ, मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो मेरा होगा। तो मैं अपना फाइनल अकाउंट्स बनाऊंगा और पीएल अकाउंट में जाके मुझे पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैंने कितना नेट प्रॉफिट अर्न किया है। बट सपोज कि मैंने कोई पार्टनरशिप बिजनेस की, मैंने क्या है कोई पार्टनरशिप बिजनेस की, मैंने तीन चार लोग के साथ मिलकर बिजनेस किया, ठीक है। तो अगर तीन चार लोग के साथ बिजनेस किया तो अभी क्या है ना कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन मांगेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं अगर प्रॉफिट रखूंगा तो जूते से मारेंगे सब मुझे, है कि नहीं, और उनको भी मैं बेसिकली प्रॉफिट रखने नहीं दूंगा। तो नाउ द प्रॉफिट हैज टू बी डिवाइडेड, ठीक है, खत्म। प्रॉफिट को डिवाइड आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू डिवाइड द प्रॉफिट। सो फॉर द डिविजन ऑफ प्रॉफिट वी एक्चुअली मेड पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जिसे हम पीएल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट भी कहते हैं। पीछे मैंने परफॉर्मा बनाया हुआ है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट जो तुम जनरली मिस करते हो लिखा जाता है, सारी चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। इवन अकाउंट्स में नीचे अगर आप कोई अकाउंट क्लोज करते हैं, जैसे इस अकाउंट को क्लोज कर रहे हैं तो डबल लाइन से क्लोज किया जाता है, दिस इज कॉल्ड डेबिट क्रेडिट, ठीक। और ऊपर अकाउंट, कुछ लोग तो अकाउंट भी नहीं लिखते हैं, मतलब अकाउंट बना देते हैं, सब कुछ सही है, आंसर भी आ जाता है, लेकिन यहाँ लिखते ही नहीं है कि है क्या। सो ये सारे बेसिक्स हैं एक्चुअली प्रेजेंटेशन के, सीबीएसई में मार्क्स होते हैं, तो मेरे समझ से तुम्हें करना चाहिए। खैर, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मैंने बनाया है और डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा था, तो इस अप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब ही होता है डिस्ट्रीब्यूशन, याद रखना। अच्छा, काहे का डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट तुम्हें मिलेगा किस अकाउंट से, पीएल अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जरा सा देखो, अभी जो मैं तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़ा रहा था कि ये हमारा पीएल अकाउंट है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी हमें प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे टू नेट प्रॉफिट, ये नेट प्रॉफिट का अमाउंट हमारा रहेगा, ये नेट प्रॉफिट के अमाउंट से ही हम पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की स्टार्टिंग करेंगे, उसकी हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें करना क्या है समझो, पीएल अकाउंट में तुम्हारे पास नेट प्रॉफिट रहेगी। और एक चीज़ मैं तुम्हें और बता दूं कि जो नेट प्रॉफिट आएगी, नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट जिस अकाउंट में करते हैं वो है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसीलिए इसको हम बनाते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नोट कर लेना जो अब मैं बोल रहा हूँ, डैट दिस पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तीन तरह के अकाउंट तुमने पढ़ा होगा 11th में, अगर नहीं पढ़े हो तो सुन लो, वैसे तुम पढ़े होगे, इतना तो तुम पढ़े होगे एक्चुअली, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। एंड द गोल्डन रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम आर गेन्स। तो भैया ये पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसमें हम प्रॉफिट का बंटवारा करते हैं, अगर लॉस आएगा तो लॉस का भी बंटवारा होगा, ठीक है, किसको, पार्टनर्स को, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल, जितने खर्चे होंगे डेबिट में डालो, जितनी इनकम होगी क्रेडिट में उठा के फेंक दो, ठीक है। अब तीसरी चीज़ सुनो जो और इम्पॉर्टेंट है, कि पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप बनाएंगे। पिछले लेक्चर में भी मैंने कराया है बालक तुम्हें, और इस बार भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि एक पार्टनर्स होते हैं, मासूम भोले वाले पार्टनर्स होते हैं, और एक उनकी कलेक्टिवली फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म। कुछ अकाउंट आप पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं और कुछ अकाउंट आप फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। एंड याद रखना, यहाँ पे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है, तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करते हुए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, डैट पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमेशा ही हमेशा तुम फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना, नोट इट इन योर कॉपी, ठीक है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट है, ये हमेशा फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, ठीक है। अभी देखो यार, पीएल अप्रोप्रिएशन में जो भी एक्सपेंस आएगा वो कहाँ आएगा, डेबिट, जो भी इनकम आएगी वो आएगी क्रेडिट, और पीएल अकाउंट से आप जो नेट प्रॉफिट होगा आप उसे उठा के यहाँ पे एंट्री करेंगे। व्हेन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, यहाँ तुम पहले बनाना सीख लो। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस किए थे ना, अगर तुम्हें याद होगा तो, कैपिटल, ड्रॉइंग,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइटिंग मेरी थोड़ी माशाल्लाह देख ही रहे हो कैसी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, रेम्यूनरेशन, बोनस, लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको क्वेश्चंस करते समय मिलेगा। तो एक चीज़ तो ख्याल करना यार, ये जो कैपिटल और ड्राइंग है, ये कैपिटल और ड्राइंग कभी भी नॉमिनल अकाउंट का पार्ट ही नहीं होता है। और इसी कंसेप्ट से के चलते कैपिटल और ड्राइंग की एंट्री आपकी पीएल अप्रोप्रिएशन में होती ही नहीं है, ठीक है, और ना ही पीएल अकाउंट में होती है। एक्चुअली अगर तुम जरा सा तुम पढ़े होगे तो पीएल अकाउंट भी एक नॉमिनल अकाउंट है। डिफरेंस क्या है दोनों में यार? डिफरेंस देखो एक ही चीज़ है, ये हम आउटसाइडर्स के लिए बनाते हैं और पीएल अप्रोप्रिएशन सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स को प्रॉफिट देने के लिए बनाया जाता है। अगर तुम्हें सैलरी देनी होती, किसी आउटसाइडर को सैलरी देनी होती, अपने बिजनेस के स्टाफ को सैलरी देनी होती, अपने बिजनेस के मैनेजर को तुम्हें सैलरी देनी होती, तो तुम इसकी एंट्री पीएल अकाउंट में करते। लेकिन अगर तुम्हें पार्टनर्स को सैलरी देनी है तो उसका एडजस्टमेंट आप पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही करेंगे, क्योंकि पीएल अप्रोप्रिएशन बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्रॉफिट या लॉस का, किसके लिए? पार्टनर्स के लिए। तो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया बेटा कि ये कैपिटल और ड्राइंग, ये दोनों की चीज़ें, दोनों ही की चीज़ें, क्या बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ें पीएल अकाउंट और पीएल अप्रोप्रिएशन में आएगा ही नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आपका जाता है। अब बात बची इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सैलरी रेम्यूनरेशन, ये बताता हूँ क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर, पार्टनर्स जो फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसे उन्हें उस कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अब जरा सब बात समझना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा पार्टनर्स के लिए तो बेनिफिट रहता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए घाटा रहेगा। क्यों घाटा रहेगा? क्योंकि फर्म इंटरेस्ट देती है पार्टनर्स को उनके लगाए हुए कैपिटल पे, लगाए हुए पैसे पे। तो फर्म के लिए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस है, डेबिट है, इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं। बात बची इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, ड्राइंग क्या है? ड्राइंग पर्सनल यूज़ के लिए जो पार्टनर पैसा लगाता है। अब यहाँ पे देखो यार, एक खेला होता है, ठीक है, जैसे अभी बंगाल में खेला हुआ है, यहाँ भी एक खेला हुआ है। क्या खेला होता है कि एग्रीमेंट में जो पार्टनरशिप डीड है, उस एग्रीमेंट में पार्टनर्स क्या करते हैं कि एक इंटरेस्ट लगा देते हैं कि अगर आप बिजनेस का पैसा ले जाते हैं लंबे समय तक तो आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? इस बार पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो कि फर्म में दो पार्टनर है, ए और बी। ए ने 2 लाख रुपये लगाया था और बी ने 5 लाख रुपये लगाया था, ठीक है। बी को एक रॉयल एनफील्ड बुलेट लेने की चाह हुई, तो इन्होंने क्या किया कि 2.5 लाख रुपये फॉर्म से विड्रॉ कर लिया, ठीक है, फॉर्म से 2.5 लाख रुपये विड्रॉ कर लिया। हालांकि वो उन्हीं का पैसा था, बट ही हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द फॉर्म। तो फॉर्म क्या कहती है? फॉर्म कहती है कि अगर आप 2.5 लाख रुपये जितने भी समय के लिए लेते हैं उस पे आप हमको एक स्पेसिफाइक रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करिए, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जो आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं उस पे इंटरेस्ट देना होता है। तो इस इंटरेस्ट लगाने का ये खेल होता है कि पार्टनर लंबे समय तक पैसा विड्रॉ ही नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो खैर, अगर बी 2.5 लाख रुपये विड्रॉ करता है तो इस पे इंटरेस्ट फॉर्म को देगा, और अगर इस बार इंटरेस्ट फॉर्म को मिलेगा तो वो इंटरेस्ट बेसिकली क्या है? फॉर्म के लिए प्रॉफिट होगा, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री कहाँ आएगी? क्रेडिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस होता है किसी फॉर्म के लिए, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ जाएगी? डेबिट साइड। नेक्स्ट इज सैलरी रेम्यूनरेशन बोनस, ठीक है भैया। पार्टनर अगर फर्म के लिए काम कर रहा है तो पार्टनर डिजर्व करता है सैलरी, बोनस, कमीशन, और देगा कौन? फर्म। और अगर फर्म देती है तो फर्म के लिए क्या है? लॉस। अब वो आएगा कहाँ? डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट इज लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन की एंट्री पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं होगी, ख्याल करना, और इंटरेस्ट ऑन लोन की भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज है, ठीक है, वो अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, तो वो भी यहाँ पे नहीं होगा। अब ये चार्ज और अप्रोप्रिएशन क्या है मैं आगे की वीडियोस में आपको बताऊंगा, नहीं तो अभी थोड़ा सा मिसमैच हो जाएगा, लेकिन ये एंट्री नहीं होगी, ये तुम यहाँ पे ख्याल करना। चलो, तो यहाँ पे अगर एंट्री करें, और क्वेश्चन करते समय हमेशा ख्याल करिएगा, डू नॉट स्टार्ट द क्वेश्चन विद द डेबिट साइड, ऑलवेज स्टार्ट द क्वेश्चन हेयर विद क्रेडिट साइड। और जो पहला एडजस्टमेंट तुम क्रेडिट साइड में करोगे वो लिखोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट, एंड ब्रैकेट में आप लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट। जो भी तुम्हारी नेट प्रॉफिट होगी वो तुम लिखोगे। ये कहाँ से आया? बात समझ में आ रही है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से उठ के आता है।
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पे लाके पीएल अप्रोप्रिएशन में तुमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि अकाउंट्स का रूल होता है, तुमने पढ़ा होगा इलेवंथ में, कि एक एंट्री डेबिट होती है फिर उसे हम लाके यहाँ पे क्रेडिट करते हैं, ठीक है, कैंसिलेशन पर्पज से। तो यहाँ पे आके ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है। अब एक बार फर्म के पास नेट प्रॉफिट आया, इसे नेट प्रॉफिट से हम क्या करते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करते हैं कैपिटल पे, अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स को रेम्यूनरेशन देते हैं, ठीक है, पार्टनर्स को किसी और तरह का अगर खर्चा है तो वो हम पे करते हैं, और बैलेंस जो हमारे पास बचता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि इसी पर्पस के लिए तो बेसिकली हम ये अकाउंट खोले थे। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज बाई पीएनएल अकाउंट नेट प्रॉफिट ये एंट्री यहाँ पे कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट इज हियर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि फॉर्म के लिए लॉस है। टू सैलरी, अगर किसी एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी तो सैलरी टू ए, और अगर फॉर्म में दो पार्टनर हैं तो दोनों को मिल जाएगा सैलरी टू ए और बी, दोनों की सैलरी यहाँ पे देंगे और ऐड करके आउटर कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। अगर किसी तरह से कोई पार्टनर को कमीशन देना है, कमीशन टू ए, तो ए को कमीशन दे देंगे, ठीक है। ये सारी एंट्रीज डेबिट की हो रही है, क्योंकि फॉर्म ये दे रहा है तो फॉर्म के लिए लॉस है, फॉर्म को मिला है प्रॉफिट है तो फॉर्म के लिए क्रेडिट है। वेरी इंपॉर्टेंट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, कन्फ्यूजन यहाँ थोड़ा सा होता है, हालांकि मैंने तुम्हें क्लियर किया है, तुम रिवाइंड करके देख सकते हो कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री यहाँ पे आएगी बाई आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। पार्टनर ए पार्टनर बी, अगर दोनों ने पैसा मान लो निकाला होगा, जितने समय के लिए निकाला होगा उतना इंटरेस्ट पे करेंगे, और ये इंटरेस्ट यहाँ पे फॉर्म के लिए क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म को एक्चुअली इस बार इंटरेस्ट मिल रहा है, फॉर्म पे नहीं कर रही है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस है तो डेबिट, सैलरी कमीशन ये सब कुछ डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट जो पीएल अकाउंट से चल गया है वो, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो फॉर्म को मिला है ये, यहाँ पे हम इसे टोटल लिखेंगे, ये जो टोटल आएगा इस टोटल को यहाँ पे लिखेंगे। नाउ जो भी आपका रिमेनिंग अमाउंट होगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे क्या, टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी, ठीक है, ए को जितना प्रॉफिट जाएगा बी को जितना प्रॉफिट जाएगा ये टैली करके हम यहाँ पे टोटल प्रॉफिट लिखेंगे, अकाउंट बन जाएगा। तो दिस इज पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्वेश्चन करने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, टिल देन इफ यू लाइक द वीडियोस प्लीज लाइक इट एंड शेयर द वीडियोस इन योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द टीम आजाद क्लासेस।